Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja and in today's lecture we will continue chapter number 5 of civics, that is advertising. This is the lecture number 2 of this chapter. In the previous lecture we studied about the meaning of advertising. We also studied about the meaning of branding and the brand values. Today we will continue some other topics from the same chapter. So next we have brand values and social works. Branding is giving the name to a product. Now, these names help in identification of the product by the customer. For example, customer ne ek product purchase kiya aur customer us product se satisfied hai. So, next time, customer ko jab bhi product purchase karna hai, wo same product identify karega with the help of the brand name aur us product ko purchase kar lega. So, branding helps in identification of the product by the customer. But apart from the identification, some other benefits are also there. For example, branding creates a positive image of the product, positive image of a particular brand in the mind of the customer. How this happens? Suppose aapko rice purchase karne hai and two types of rice are available at a particular shop. Ek rice hai jo proper packed hai aur wo waise hi sale hoti hai unki aur dusre rice hai jo loose sale hoti hai. Yani ki jo pack nahi hai. अब आपके पास दो चॉइस हैं. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बाय द पैक्ड वन. व्हाई? बिकॉज जो प्रोडक्ट, जो राइस पैक्ड हैं, उनका एक प्रॉपर ब्रांड नेम है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने टेलीविजन में बार बार देखी है. बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है कि जो वो राइस पैक्ड हैं उनकी क्वालिटी बेटर है, बिकॉज आप उसके बारे में अवेयर हो, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो प्रॉपर पैक्ड है. सो ब्रांडिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज. जस्ट बिकॉज कि उसका एक नेम था, उसकी एडवर्टाइजमेंट थी, तो आपको क्या लगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है दैट इज़ सुपीरियर इन क्वालिटी, दैट इज़ बेटर देन द अदर वन. सो ब्रांडिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. आपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम दिया, उसकी पैकेजिंग कराई, उसकी एडवर्टाइजिंग कराई, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. अब जो वो प्रोडक्ट है वो कॉस्टलियर हो गया, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द अदर प्रोडक्ट जो लूज सेल हो रहा था. सो बेसिकली ब्रांडिंग की वजह से या एडवर्टाइजिंग की वजह से एक प्रोडक्ट भले ही क्वालिटी में बेटर हो या ना हो, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है. मे बी जो राइस लूज सेल हो रही थी जिनकी, वो भी क्वालिटी में अच्छे थे, बट उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी देन द पैक्ड वन. So people assume that the branding rice or the other products is better because it is sealed. People who are economically weaker feel deprived. अब इससे society दो parts में divide होगी, haves and have nots. Haves means जो purchase कर सकते हैं and have not जो purchase नहीं कर सकते हैं. अब जो persons economically weaker हैं, जो इतना invest नहीं कर सकते हैं, वो persons तो lose वाला भी ले लेंगे and they will think कि हमने better quality product नहीं लिया. उनका प्रोडक्ट भी क्वालिटी में वैसा ही है, इट्स जस्ट कि वो पैक्ड नहीं है. सो बिकॉज ऑफ बीइंग इकोनॉमिकली वीकर, दे विल थिंक कि जो उन्होंने प्रोडक्ट लिया है, बिकॉज वो ब्रांडेड नहीं है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा नहीं है. सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट द इमोशंस ऑफ द पीपल आर ऑल्सो हर्ट. नेक्स्ट इज वी कैन सी पॉपुलर एक्टर्स एंड क्रिकेट स्टार्स एंडोर्सिंग सिविल प्रोडक्ट्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज कई बार एडवर्टाइजमेंट में हमारा कोई पॉपुलर एक्टर है, कोई फेवरेट एक्टर है, क्रिकेटर है, वो एडवर्टाइज कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट आपको वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर. जस्ट बिकॉज कि आपका फेवरेट एक्टर वहाँ पर है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट, बिकॉज वो जो एडवर्टाइजिंग हो रही है वो अट्रैक्टिव है, वो टेम्पटिंग है. वहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपका फेवरेट है, सो यू आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आमिर खान एंडोर्सेस कोका कोला. नाउ ऑल नो कि कोका कोला में पेस्टिसाइड्स एंड रिपोर्ट्स हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, स्टिल वी आर गोइंग टू बाई कोका कोला जस्ट बिकॉज उसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है, आमिर खान कर रहा है या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है जो आपको जिसको आप लाइक करते हो. सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग हैज़ सम डीमेरिट्स ऑल्सो. ऑन द वन हैंड इट इज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. ऑन द अदर हैंड इट इज़ डिवाइडिंग द सोसाइटी इन टू पार्ट्स, वन हैव्स अदर हैव नॉट्स. On the one hand, it is good, but it is also increasing the product of the price of the product. Right? Advertising plays a major role in decision making. It influences us in what we buy and the way we think about the people, depending on the brand they use. अब advertising हमारे decision को affect करती है.
Advertising influence the buying decision of the customer. Customer is going to buy a product or not depends ki uski advertising kitni hui hai. Jitni zyada extensive advertising hogi, utne zyada chances hain ki customer us product ko purchase karega. Because ek to aap advertising bar bar kara rahe ho, customer us product ko yaad rakhega. Second, aap uske naye naye features count kara rahe ho, tab bhi customer khareed sakta hai. And the third, wo advertising itni tempting hai, attractive hai ki customer influence hokar buying decision bana leta hai. So advertising plays a major role in the decision making. इट इन्फ्लुएंस अस एंड वट वी बाय. हम क्या बाय कर रहे हैं, वट वी आर परचेजिंग, जो हमारा परचेजिंग डिसीजन है दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टाइजिंग एंड द वे वी थिंक अबाउट द पीपल. आप दूसरों के बारे में क्या इमेज बना रहे हो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्रांडिंग. बिकॉज आपने सामने वाले को देखा वो एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहा है और आपके अकॉर्डिंग उस ब्रांड की इमेज अच्छी है, सो आपके अकॉर्डिंग वो पर्सन अच्छा है. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा है, लूज प्रोडक्ट्स ले रहा है, दैट मीन्स यू विल थिंक कि उस प्रोडक्ट की, उस पर्सन की इमेज जो है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. सो हम पर्सन की इमेज भी ब्रांड के अकॉर्डिंग बनाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. ऑब्जेक्टिव मीन्स द पर्पस व्हाई द एडवर्टाइजिंग इज बीइंग डन एट सच अ लार्ज स्केल. फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. दिस इज ऑब्वियस. आपने एडवर्टाइजमेंट कराई, कस्टमर अवेयर हो गया, कस्टमर को प्रोडक्ट भी पता है, प्रोडक्ट के न्यू यूजेस, न्यू फीचर्स भी पता है, तो कॉन्टिन्यूसली जब कस्टमर उन चीज़ों को देखेगा डेफिनेटली ही विल थिंक टू बाय द प्रोडक्ट. कस्टमर जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगा. सो एडवर्टाइजिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. सपोज आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कस्टमर को उसके बारे में पता ही नहीं है, द कस्टमर इज लीस्ट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है. टिल द टाइम कस्टमर को उसके बारे में पता ही नहीं है, या पता है तो उसके फीचर्स नहीं पता, उसके यूजेस नहीं पता, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा. सो आफ्टर द एडवर्टाइजिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली इंक्रीज्ड. नेक्स्ट इज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस एंड यूसेज. इफ़ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, नाउ वो इन्फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन किसी अच्छे कॉज की भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्टार्टेड अ कैंपेन रिगार्डिंग द हेल्प फॉर गर्ल चाइल्ड और रिगार्डिंग द एजुकेशन फॉर द गर्ल्स. अब आपको उस कैंपेन की लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उसकी भी एडवर्टाइजिंग करा सकते हो, विच इज़ नोन एज सोशल एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग, द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज टू गिव इन्फॉर्मेशन दैट मे बी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और रिगार्डिंग सम अदर थिंग. नेक्स्ट इज कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक आई. अब एडवर्टाइजिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैन्युफैक्चरर को या एक कंपनी को पब्लिक आई में रखेगा, मींस लोगों की नज़र में. एक केस है कि आपने एडवर्टाइजिंग कराई नहीं, लोगों को पता ही नहीं, द पब्लिक इज़ लीस्ट अवेयर. दूसरा केस है कि आपने एडवर्टाइजिंग कराई बट 2 months के बाद फिर दोबारा हो रही है, एक बार हुई फिर 2 महीने बाद आएगी, इतने में तो लोग भूल जाएंगे. और एक केस है कि आपने एडवर्टाइजिंग कॉन्टिन्यूस कराई है, कस्टमर डेली उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में देख रहा है, डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस होगा और प्रोडक्ट को खरीदेगा. क्योंकि कस्टमर जब वो अट्रैक्टिव सी एडवर्टाइजमेंट देखेगा, उसमें जिंगल्स हैं यानी कि कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कस्टमर को याद रह जाएंगी, कुछ स्लोगन्स हैं, तो कस्टमर इन्फ्लुएंस होगा और डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो पब्लिक की आई में रहेगा, लोगों की नज़र के सामने रहेगा, तो लोग उसको डेफिनेटली परचेज करेंगे. द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ बिल्ड अ रेपुटेशन एंड ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ब्रांडिंग से एक प्रोडक्ट की रेपुटेशन बनती है, ब्रांड की इमेज क्रिएट होती है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग. बिकॉज एडवर्टाइजिंग तभी होगी जब आप ब्रांडिंग करोगे. आपने प्रोडक्ट को कोई नेम ही नहीं दिया, कोई नेम नहीं है आपके प्रोडक्ट का, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप एडवर्टाइजिंग किसकी करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांडिंग इज डन, आफ्टर दैट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट ब्रांड इज डन.